दोस्तों आपको फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी मूवी के बारे में जिसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन ऑस्कर जीते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डैलस बायर्स क्लब के बारे में। ये एक ड्रामा हिस्ट्री फिक्शन मूवी है जो कि रिलीज़ हुई थी ईयर 2014 में और इसे IMDb रेटिंग मिली है 8 out of 10। दोस्तों मूवी में स्टोरी दिखाई गई है एक रोडियो काउबॉय की जिसका नाम होता है रॉन। अब ये बंदा एक सेक्स एडिक्ट होता है और ये पूरा दिन अय्याशी करता है। फिर एक दिन इसे शॉक लगता है और ये बेहोश हो जाता है। फिर इसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और वहाँ के डॉक्टर्स जो हैं वो उसके ब्लड पे बहुत सारे टेस्ट्स रन करते हैं और उन्हें पता लगता है कि इस बंदे को एड्स है। और जब रॉन को होश आता है तो जो डॉक्टर है वो उसे बताता है कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ 30 दिन है। अब यार देखो, ये बात सुनकर तो किसी भी अच्छे भले इंसान के पैरों तले ज़मीन खिसक जाए। तो रॉन के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। पहले पहले उसे बिलीव नहीं होता बिल्कुल भी, लेकिन फिर जो वो अपने एंड पे रिसर्च करता है और अपने वे ऑफ लिविंग को एनालाइज करता है तो उसे कुछ साइंस मिलने शुरू होते हैं। फिर उसे थोड़ा थोड़ा यकीन होता है कि वो सच में HIV पॉजिटिव है। फिर यार मूवी में दिखाया गया है कि एक AZT नाम की ड्रग रिलीज़ होती है मार्केट में जो कि एड्स पेशेंट्स पे टेस्ट की जानी होती है, लेकिन रॉन जो है वो उसे इलीगली खरीद के कंज्यूम करना शुरू कर देता है। लेकिन फिर कुछ समय में उसे रियलाइज़ होता है कि ये जो ड्रग है इसके बहुत सारे एडवर्स साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिनका बॉडी पे बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। अब यार देखो, जब जीने मरने का सवाल हो तो इंसान कुछ भी करता है। तो रॉन जो है वो सब कुछ छोड़ छाड़ के मेक्सिको चला जाता है जहाँ पे उसे एक डॉक्टर मिलता है जो कि इलीगली एक क्लिनिक चलाता है और वो उसे अपने क्लिनिक में एडमिट करता है और उसे मतलब काफ़ी टाइम तक ट्रीट करता है बहुत सारी अलग अलग ड्रग्स के साथ काफ़ी समय तक। और जो रॉन है वो अभी भी ज़िंदा होता है। तो यार जब रॉन की हालत थोड़ी ठीक होती है, मतलब वो चलने फिरने लग जाता है, तो उसे एक आइडिया आता है कि क्यों ना ये सभी ड्रग्स वो मेक्सिको से खरीद कर अमेरिका में बेचना शुरू कर दे। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो ड्रग्स जो हैं वो अमेरिका में अप्रूव्ड नहीं होती, मतलब एक तरह से उन पर बैन होता है। तो फिर मूवी में यहाँ से शुरुआत होती है डैलस बायर्स क्लब की जो कि रॉन एस्टैब्लिश करता है वापस अमेरिका जाके। अब यार देखो, इसके आगे की जो स्टोरी है वो मैं बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि फिर फ़ायदा ही क्या है मूवी देखने का, मैं सारे स्पॉयलर्स ही दे दूँगा। तो अगर जितना मैंने बताया है मूवी के बारे में ये इंटरेस्टिंग लगा हो तो इस मूवी को यार ज़रूर देखना। बेशक अगर आपको ये जॉनर पसंद भी नहीं है ना, फिर भी एक बार ट्राई करना है देखने की, क्योंकि ये जो मूवी है वो एकदम माइंड ब्लोइंग है यार। मेरे को भी ये जॉनर कुछ खास पसंद नहीं था, मैं भी ब्लड शेड एक्शन वगैरह ही देखता हूँ, लेकिन ये मूवी मेरे को एक नंबर लगी भाई। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करना। चैनल पे आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते रहेंगे आपसे ऐसी नई शानदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।